देश के 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में तिरंगा झंडा फहराया और प्रदेशवासियों की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी चेतना में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाहित है, जो हमें मानव धर्म के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखता है। इनके रास्ते पर चलते हुए हम छत्तीसगढ़ के जन जन का सपना पूरा करेंगे। आठवां प्लाटून एनसीसी पीजी कॉलेज जगदलपुर कमांड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर लक्ष्मण सेठिया। एनसीसी सीनियर विंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के कैडेट्स कमांड है जूनियर अंडर ऑफिसर करुणा कश्यप का। अगला प्लाटून सीजस धर्मपुरा का सीएसएम जया सेठिया के नेतृत्व में। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलख जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आपको अपने जीवन में किन बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी मेहनत और त्याग अनमोल है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कृषि तथा इससे संबंधित सभी क्षेत्रों पर हम लगातार ध्यान देंगे और समस्याओं का निराकरण करते जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं का समय पर अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को देने की व्यवस्था की जाएगी। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए भी समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 12,000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है।